नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में चार भाइयों ने अपराधी युवक को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार की शाम सदर के मंगलवारी बाजार में हुई इस वारदात से दहशत फैल गई। मृतक अक्षय किशोर निर्मले 23 वर्ष है। आरोपी रितेश वर्मा, उसके भाई निखिल वर्मा, सुमित वर्मा और राजू वर्मा चारों कलमना में रहते हैं। मृतक अक्षय के खिलाफ हत्या सहित अन्य मामले भी दर्ज हैं। उसने 2 साल पहले नाई तालाब के कुख्यात गुंडे पिंटू ठवकर की भी हत्या कर दी थी। वही अपने भाई के साथ मंगलवारी बाजार में सब्जी की दुकान लगाता था। आरोपी वर्मा बंधु भी सब्जी की दुकान लगाते हैं और एक भाई चाय बेचता है। वर्मा बंधु की मंगलवारी बाजार में दबदबा है, वह किसी के भी मार्ग में बाधा बन जाते हैं। अक्षय भी अपना दबदबा बनाने में जुटा हुआ था। वर्मा की दुकान के सामने स्थित चबूतरे पर एक अन्य सब्जी विक्रेता दुकान लगाता था। उसकी मौत होने के बाद मृतक अक्षय ने वह जगह खरीद ली। उस जगह पर वर्मा बंधुओं का नजर थी। अक्षय ने वहां अपनी चाय की दुकान शुरू कर ली। मंगलवार को साप्ताहिक बाजार था। दुकान लगाने को लेकर सुबह से ही अक्षय और वर्मा बंधुओं में तनातनी चल रही थी। शाम 7 बजे आरोपियों ने जबरदस्ती अक्षय से विवाद, गाली गलौज और हाथापाई करने लग गए थे। आरोपियों ने अक्षय पर चाकू से हमला बोल दिया। बड़े ही दर्दनाक तरीके से अक्षय के शरीर पर कई वार किए गए। अक्षय खून से लथपथ वही ढेर हो गया, जबकि आरोपी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अक्षय को मेयो अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करते ही मृत घोषित कर दिया। वही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Thank you.